नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज, मेरे दिल से दिल तक चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के हिसाब से ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो या आप जैसा वीडियो चाहेंगे वैसा वीडियो मैं पोस्ट करूँगी। और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे DIY की। जैसे मैंने आपसे अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे आसान से DIY लाऊंगी जिनमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है, आपके घर से ही निकल आएगा सब सामान DIY का। और जैसे मैंने आपसे बताया कि मुझे ग्रीनरी का बहुत शौक है, तो हम पेड़ पौधों के DIY करेंगे। आपको दिख भी रहे होंगे, ये मैंने कुछ आगे पेड़ पौधे रखे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो DIY करेंगे वो ये है। हमारे घर में ये जैसे पेन स्टैंड था, मगर अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, अब हम इसको यूज़ नहीं करते ऐसे ही, मगर टेबल के कॉर्नर में हमने रखा हुआ है। पहले स्टडी टेबल, बच्चे जब पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, तो इसमें पेन पेंसिल कलर पेंसिल्स अपने रखते थे, मगर अभी यूज़ नहीं करते हैं। तो इसको मैंने क्या किया है, ये एक जूस बॉटल थी, उसे मैंने पानी डाला, और ये मनी प्लांट की एक कटिंग है उसको मैंने इसमें लगा दिया है। और अब अगर मैं इस कटिंग को मतलब पेन स्टैंड को मैं टेबल पे भी रखूंगी तो ये खूबसूरत लगेगा। और जितने भी ये मैं आपको भी प्लांटर्स दिखाऊंगी, ये सब मैंने घर से निकाला है सामान, कुछ भी मैंने बाहर से नहीं खरीदा है। देखिए, एक ये हो गया, और इनको आप फिर लाइट से भी सजा सकते हैं। एक ये मेरे घर में कैटल था, ये कैटल का कवर टूट गया ऊपर का, तो इसमें मैंने एक ये प्लास्टिक के कंटेनर मिट्टी डालकर और ये एक एलोवेरा का पौधा लगाया। देखिए, और ये आगे मैंने एक स्ट्रिंग सा लगा दिया, अब ये एक डेकोरेशन पीस बन गया, और घर के किसी भी कॉर्नर में हम इसको एज अ प्लांटर यूज कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा मग है, इसके साथ के जो मग थे वो नहीं टूट गए, मगर ये जो मग है ठीक था, मगर एक नहीं यूज कर पा रहे, तो इसमें भी मैंने एक बॉटल, प्लास्टिक की पानी की बॉटल थी, उसको काटा और नीचे निकासी का जरूर दिया है, मिट्टी डाली है इस बॉटल में, और इसमें भी एक एलोवेरा का पौधा लगाया है। और मैं आपसे बताती हूँ कि देखिए, हमारे घर में एक ये ग्लोब था, इट्स अ प्लास्टिक, मतलब वो जो बॉल होती है प्रेस करने वाली, वो बॉल थी, और ये एक परफ्यूम का ऊपर का ढक्कन था ऐसे, मगर इसको मैंने यूज कर लिया ऐसे, और इसके ऊपर मैंने ये ग्लोब जो था, ये जो बॉल थी, ये रख दी। और ये मैंने स्टडी टेबल पर रखा हुआ है, बच्चों के स्टडी टेबल पर, तो ये अच्छा लगता है। देखिए, मैंने ये बॉल मेरे पास पहले पड़ी थी, मतलब खरीदी हुई है ये, मगर मैंने नया कुछ नहीं खरीदा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, इनोवेट कर लिया। अब ऐसे ही ये मेरे को एक बाउल था, ये क्रिस्टल बाउल, ये गिफ्ट आया था, मगर ये खाली रखने में अच्छा नहीं लगता था, तो इसे मैंने ये पेबल्स डाल दिए। ये पेबल्स बाजार में मिलते हैं, इससे मिलती जुलती मैं आपको दो तीन चीज़ें और दिखाती हूँ जो हम डेकोरेट कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में हम जैसे कांच के ऐसी ट्रेज है, फ्रूट के लिए लेके आते हैं, सर्विंग के लिए लेके आते हैं, इसको मैंने शेल्स से सजा दिया है। ये देखिए, ये शेल्स हैं अलग अलग तरह के, ये प्लेट में मैंने ये शेल्स रख दी हैं, तो ये प्लेट भी सेंटर टेबल का, डाइनिंग टेबल का, या फिर कॉर्नर टेबल का एक डेकोरेशन पीस बन सकता है। ऐसे ही एक छोटी और मैंने ट्रे बनाई है, ये एक छोटी ट्रे है, इसमें भी मैंने ये शेल्स रख दी है। ये शेल्स हमें मार्केट से मिलते हैं, ये देखिए, ये जिसको सिप्पी कहते हैं, ये मिलते हैं, इसको मैंने इसमें रख दिया। और आपके पास अगर कलर्ड प्लेट है या कैसी भी ऐसी प्लेट है जिसमें आप चाहें तो इसको भी ऐसे सजा सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए। और अगर आप भरना चाहें तो भर भी सकते हैं, और इसमें मैंने भी फिशेज भी ऐड करूंगी, पानी के बिना ही एक ड्राई एक्वेरियम बन जाएगा, ये देखिए, देखने में भी ये खूबसूरत लगते हैं। तो इसको भी हम कहीं भी किचन में भी रख सकते हैं, आप वॉशरूम में भी यूज कर सकते हैं, घर के किसी कहीं पे भी डेकोर में आप यूज कर सकते हैं। और मैं आपसे बताती हूँ, जैसे हम कसोरों में चाय पीते हैं, हम पीछे 24/7 शॉप है, वहाँ पे गए तो हमने कसोरों में चाय पी, तो वो कसोरे मुझे थोड़े पक्की मिट्टी के लगे, ये नहीं लगा कि इनमें हम अगर पौधा लगाएंगे तो ये खराब हो जाएंगे। तो इनमें मैंने देखी, एक ये बटन बेल है, ये लगा दी, ये मैंने एक एलोवेरा लगाया, एक और ये है प्लांटर, इसमें भी मैंने मिट्टी डाल के और इसको एज अ प्लांटर यूज कर लिया। और आजकल एक ये मेसन जार्स जो है, पहले हमारे किचन में हम लोग कांच के जार्स ही यूज करते थे, ये देखिए, ये जो जार्स हैं, इनका ढक्कन निकाल दीजिए,
अगर लोहे के हैं कभी कभी जंग लग जाता है तो वो यूज के नहीं रहते, तो उनको निकाल दीजिए। इसमें भी मैंने देखिए पेबल्स डाले हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक फेदर रखा हुआ है, ये कुछ पेबल्स हैं ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आप ऐसे भी अपना डेकोरेशन पीस बना सकते हैं घर में रहते। इसमें आप लाइट्स भी लगा सकते हैं, मेसन जार्स जो है मतलब अलग अलग हाइट के हैं, साइज के हैं, कुछ ऐसे हैं, उनमें आप लाइट्स डालकर भी उनको आप घर के किसी भी कॉर्नर में लगा सकते हैं। एक देखिए, एक ये मेरे पास किचन में बाउल था जो अब यूज नहीं होता है, इसमें भी मैंने ये पेबल्स डाले हैं और कुछ फेदर्स डाले हैं, और इससे भी मैंने एक डेकोरेशन पीस बना ली। इसमें मैंने लाइट्स भी लगाई हुई थी मगर अभी मैंने निकाल दी है, मगर जैसे दिवाली आएगी तो मैं इसमें भी जरूर डेकोरेट करूंगी दिवाली से। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये DIY विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी स्पेंडिंग पसंद आई होंगी, और आप अपने घर को इस दिवाली पे बहुत अच्छे ढंग से, बहुत खूबसूरती से और उन चीज़ों से सजाएंगे जो रिसाइकल्ड है, वेस्ट मटेरियल जो है, या घर में जो आपका अनयूज्ड मटेरियल है, क्रॉकरी है, बहुत सारे और भी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हम यूज़ नहीं करते मगर फेंक भी नहीं सकते, तो उनसे आप कुछ यूजफुल चीज़ें बनाएंगे और अपनी दिवाली और अपने घर को खूबसूरत बनाएंगे। धन्यवाद, हंसते रहिए, खुश रहिए।